मोदी जी, मेरे को सन 11 में पैरालाइज पड़ा था, मैं बोल नहीं पाती थी, मेरा होठों में इलाज चलता था, दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी विकलांग हैं, घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। आपके द्वारा जन औषधि दवाइयाँ मिली, मैंने खाना सुन लिया, और मेरी दवाइयाँ जो है 5,000 की आती थी, और अब मेरी दवाएँ 1,500 की आती हैं, तो 3,000 मुझे मिलता है, उससे मैं अपने खर्चा और फल फ्रूट वगैरह खाती हूँ। और मैं मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परेशान परेशान हुआ। मैं कुछ भी और बात भी कहना चाहती हूँ आपको। मुख्यमंत्री जी ने मेरी बहुत मदद की है, और हमारे जो लोग हैं उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि मैं ठीक नहीं होऊंगी, लेकिन आपका आशीर्वाद, आपकी वाणी से मैं ठीक हो गई हूँ। पर मुझे फिर कहती हूँ मैं आपको, मैंने ईश्वर को नहीं देखा, मैंने आपको देखा तो ईश्वर के मूल रूप में देखा है। अब मैं थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग गई हूँ, और लोग मेरी मदद करते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। दीपा जी, आप बहुत भावुक हो गई, लेकिन आपने अपनी हिम्मत से बीमारियों को परास्त किया है, और ये आपका जो हौसला है ना, वो सबसे बड़ा भगवान है। आपका हौसला ही आपका भगवान है। उसी हौसले ने आज आपको इतने बड़े संकट से बाहर निकलने की ताकत दी, और आप निकली हैं, और मैं तो देख रहा था कि आप बिल्कुल साफ बोल रही हैं, एक एक शब्द समझ में आता है। तो आपको मन में एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि अब आप बहुत ही सरलता से बात बता रही है।